नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। आज दोपहर बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब से एक ट्रैक्टर की रैली के साथ हरियाणा पहुंचे। हरियाणा की सीमा में प्रवेश करने के लगभग 2 घंटे तक उन्हें रोक कर रखा गया, जहां हरियाणा के अधिकारी यह निश्चित करना चाहते थे कि उनके साथ केवल 100 ही आदमी हरियाणा में प्रवेश करें। अधिकारियों से बातचीत के बाद राहुल गांधी को हरियाणा में एंट्री दी गई, जहाँ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, किरण चौधरी सहित अनेक हरियाणा के बड़े नेता, जिन्होंने हरियाणा की सीमा में उनका स्वागत भी किया। राहुल गांधी पंजाब से हरियाणा की सीमा में स्वयं ट्रैक्टर चलाकर आए। उनके साथ एक ओर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत व दूसरी ओर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ बैठे थे। हरियाणा सीमा में पहुंचने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाला तथा राहुल गांधी एक और ट्रैक्टर पर बैठ गए। उसी ट्रैक्टर पर कैप्टन अजय यादव, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला भी दिखाई दिए। वहीं पैवा की अनाज मंडी पहुंचने पर खेती बचाओ किसान बचाओ रैली यहां से शुरू हुई। वहीं से किसानों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी और अंबानी के लिए राजनीति करने के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो कृषि बिलों को रद्दी की टोकरी में डाल देंगे, मगर सत्ता में आने के लिए वेट करना होगा, तब तक इन बिलों का विरोध करेंगे। पिहवा की रैली के बाद राहुल गांधी ज्योतिसर होते हुए पीपली पहुंचे। उन्होंने ज्योतिसर धाम के भी दर्शन किए। आप देख रहे हैं पल पल की एक खास रिपोर्ट।